मेरा नाम मिसबा हिन्ना है, हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ मिसबा वॉलीबॉल एकेडमी। टू एम्पावर द यंग गर्ल्स एडोलसेंट गर्ल्स, उनको स्पोर्ट्स में इंगेज रखना, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रखना, दिस इज़ व्हाट वी एम कि उनको एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर हम दें थ्रू स्पोर्ट्स, अगर वो स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर परस्यू करना चाहे तो। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आई बिलीव कि देखें आप फिट रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। सो आई हैव डन माई मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। दिस इज़ वॉट माई इंटरेस्ट ऑलवेज लेज ऑफ। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में काम करूँ एंड दैट्स वाई मैंने अपनी डिग्री भी इसी फील्ड में परस्यू की एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई इन्जॉय माई वर्क वट एवर आई डू। इट वॉज जस्ट एन आइडिया इन 2017 कि मैं गर्ल्स के लिए एक वॉलीबॉल कैंप रखूँ। हमें फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, सो आई डिसाइडेड कि जो चीज़ मैंने सीखा है, जो चीज़ वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई कोचेज़, फ्रॉम माई एल्डर्स, उनको मैं दूसरी लड़कियों तक पहुँचा दूँ। वैन आई वॉज इन स्कूल आई स्टार्टेड प्लेइंग वॉलीबॉल और मेरा हमेशा से वॉलीबॉल में बहुत शौक, बहुत इंटरेस्ट रहा है। फिर ये कि प्रोफेशनल लेवल पे GB को रिप्रेजेंट किया हमने नेशनल्स में, यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पे मुझे HSC को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, विच इज़ अ ह्यूज टास्क फॉर अस। जो डिपार्टमेंट्स है पाकिस्तान आर्मी, उसकी तरफ से मैंने कुछ नेशनल्स खेले। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन जुबली गेम्स बैक इन 2016। आई बिलीव चेंजिंग लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस विद इन द गर्ल्स, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए स्पोर्ट्स खेल के, सो दैट दे कैन टेक सम स्टेप्स फॉर देमसेल्व्स, सो दैट दे कैन बी मेंटली स्ट्रांग। जो हमने इस्लामाबाद में काम करना स्टार्ट किया 2-3 साल पहले, स्कूल्स एंड कॉलेजेस गर्ल्स को इंगेज रखें अपने एक्स्ट्रा, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हट के हम उनको क्लब्स में इन्वॉल्व रखें। तो अभी जो हम लोग क्लब चला रहे हैं इस्लामाबाद में, उसमें हम बच्चों को कोई चार्ज नहीं कर रहे, इट्स अ फ्री कैंप। तो इट्स रियली गुड कि हमने अपने एकेडमी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखी, हमने काफ़ी गर्ल्स को इंगेज रखा। इसको सस्टेन रखने के लिए जो है ना, मैं ख़ुद जॉब करती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है आई ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन दीज गर्ल्स हु आर पार्ट ऑफ माई अकेडमी। सो आई बिलीव कि अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम मज़ीद काम करें या हमें सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें, तो काफ़ी जो है ना, हम लोग ऐसे टीम्स को, ऐसे लड़कियों को हम सपोर्ट कर सकते हैं आगे। बैक इन 2019 मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में US में, और हमने देखा उसमें कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ पर वो स्पोर्ट्स को यूज़ करके लड़कों को, लड़कियों को किस तरह वो टीच करते हैं, किस तरह एम्पावर करते हैं, तो वो कंपेयर करें अगर पाकिस्तान में तो इट्स वेरी डिफरेंट। कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, इट्स वेरी डिफरेंट। तो इस स्पोर्ट को, वॉलीबॉल को हम पाकिस्तान में मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं एंड वॉलीबॉल जो गेम है इट्स वेरी टेक्निकल गेम, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। सो आई बिलीव कि अगर हम क्लब्स, ऐसे जैसे अकेडमीज़, क्लब्स वगैरह बहुत ज़्यादा बने पाकिस्तान के हर हिस्से में, तो ये गेम जो है ना आगे जा सकती है। हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स करवाए हैं, हमने नेशनल लीग करवाए लास्ट टाइम इस्लामाबाद में, जो कि बहुत अच्छा रहा और काफ़ी हमें पॉजिटिव अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है लड़कियों की तरफ से। उसके बाद काफ़ी क्लब्स फॉर्म में आई हैं, लड़कियों ने अपने क्लब्स बनाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसको देख के मुझे स्पेसिफिकली बहुत खुशी होती है कि काफ़ी क्लब्स फॉर्म में आ गए हैं अभी। सो इसी तरह हम इस गेम को आगे लेके जा सकते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू HBLPSL एंड किंगडम वैली टू सपोर्ट अस फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम पूरी दुनिया तक अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज शेयर करें।